सुल्तान हलबटुमै जहाँ मोटिरा मै बाहेक कोही नै जाना पिंजरा मनिक चिरै हस बिल्कुल बांधल बटुमै जहाँ मोर पीड़ा मई बाहेक कोई नहीं जानत सामान हस बिकल तू सामान हस बिकल तू टब पर यहाँ मोर कौन मोल नहीं हो उहे धरियार बोली उहे धरियार बोली जन मोर काने माँ के छप्पर मारत हॉलीवुड सेटिंग की चे भाई बे बिचारा छटपना लालस ले एक ठोसरा लेके पठेले रही बाबा मलिक घर मई प्रस्ताव नहीं थे लखन नहीं हो तीर हस उतर आए रहे कमैया छायु के बिन पढ़ना सपना देखे तोर बाबा प्रिंट के टीवी मैं निशब्द हुई लो मने मने कहलो हमारे संपत्ति हरप के हम हीन गरीब बनेला सामंत लोग गरीबी के फायदा उठेगा मोर बोली सुनिया के जिही पशु सरहर हैं व्यवहार नहीं के जाए बस आप नहीं चली ढूंढ के जा रही आज दिन फिरल बा मोर बखना फरफराई का मैं आजाद हुई तो बिल्कुल आजाद कही जाए साहित्य समाज के ऐना हो साहित्य बा के भाषा बा के संस्कृति बा के हमार पहचान बचल बा सातवा राष्ट्रीय थारू साहित्य सम्मेलन के दूसरा दिन के छठो सेशन में मैं उपस्थित सबको जान है स्वागत करक चाहतूँ राम राम जय गुरु बाबा आज के सेशन में हमने थारू साहित्य में युवा कना विषय में सफल कर भी सफल करक लग हमारे संगे पहुना बता रंगकर्मी निर्देशक तथा कथाकार प्रणव आकाश उस तक के हमारे संगे बता हर साल त्रैमासिक के संपादक ओ गजलकार सागर पुष्पी जी उस तक के हमारे संगे बटी जंगरा साहित्यिक बखेरी के सदस्य थर साहित्यकार गीतांजलि पसलंग्या मई तीनों जहानी एक मुश्त में स्वागत करक चाहल मोर पहलो प्रश्न ई तीनों जहान के लखो अपन मातृभाषा थारू में साहित्य लिखना का करे जरूरी बा वो हमरे अपन थारू समुदाय के तथा का करे लिखे नहीं सकती जबकि गैर थारू समुदाय के लेखक दत्त सकला मैं प्रणव आकाश से शुरू कर चाहूँ धन्यवाद भूमिका जी यहाँ उपस्थित सबको जान राम राम जय गुरु बाबा सबसे पहले तो अपन बातचीत धरना हो हमार थारून के स्वभाव तमने फिर बातचीत फिर अथवा हमारा स्वयं व्यक्तिगत हिसाब से फिर थारू समुदाय जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट थी इंट्रोवर्ट के अवस्था में बैठी वो कारण लेकिन हमारा अपन बात दोसर जहन अथवा कहरे बल परल कल से फिर दुई शब्द दुई बात धरबेर धन से अंक नहीं लगती ये कारण लेखा फिर हमारा अपन चीज अथवा अपन समुदाय में देखल चीज कहरे लिखू कहबेर फिर हम जना तार्किक तरीका एक रिजनेबल तरीका हम धर सेकलक अवस्था नहीं हो ये कारण लेखा फिर हमारा अपना बटकुई अपना बातचीत अथवा अपना चीज एक साहित्यिक मार्फत लिखू कहबेर फिर हमारा नहीं सेकलक अवस्था हो ओ गर थारू संगरियन से थारू समुदाय बटकोई में अथवा थारू समुदाय साहित्य में वहाँ का कलम चले जीवा थे मदा बात हो वहाँ हम सिखाफे पर्था जब हम आटा नहीं सैक्टूरी तो हमारा अंदर बंदर के मन से क्लारा लगे हुए थे वही मैं ये सकारात्मक पक्ष हो कछु धन्यवाद मैं ये प्रश्न सागर कुछ में जी है चाहता हूँ मई भागत हर कोई अपन मूल्य खोजत हर कोई अपन मूल्य खोजत पहचान खोजत अपन भाव खोजत कोई भी बच्चा जब रुई तब की रुई अपन डाइक डूट पाए उस तक नहीं हमरे जब अपन हमरे पहचान खोजत भाषा खोजत संस्कृति खोजत तब भी हमार पहचान जल्दी तब भी हमार भाषा जल्दी तब भी हमार इतिहास बची वही मरे वही लगत साहित्य भाषा साहित्य संस्कृति बचाई पड़त वो आईना पूछता है फिर अपन भाषा संस्कृति पर जानकारी कराई पड़त हस धन्यवाद गीतांजलि जी धन्यवाद संजलि का बाबा हस तरह के हमारे दर्शक के रूप में हमारे मंच के अंजर पंजर सबको कवि लंकन मैं गीतांजलि के तरफ से राम राम कह चाहत हूँ हमार अब अवस्था में थारू भाषा साहित्य ने हमारा कहाँ कहाँ आगे बढ़ाई नहीं सकती कि कना हमारे प्रश्न छोड़ लगा हमारे सहजीकरण करना बाबू अब के
70 साल से लेखना आज के अवस्था में हरबला थारू साहित्य लगभग आधा आयल बा कफरन त उनके उत्र उठी उठी पे हमरा साहित्य न हमरा मौखिक रूप में बटमही कैजा हमार उता में कथा कैजा जस्तो नेपाली में कथा कैजा कलेसे हमार थारू भाषा में बटमही कैजा उ बटमही चाहिँ हमार मुखाग्र में चाहिँ एकदमै बा कफरन कोई हमार किसी हमार अग्रज बाट वहाँ उग्र लिखित रूप में फिर लांच उनके हमारा आपके नया पीढ़ी उग्र चाहे इन्हें आगे बढ़ना एकदम जरूरी बात ना जो लगे महीना धन्यवाद मैं सागर कुस्मी जी जाए चाहूँ हजुर हरसाली त्रैमासिक मासिक पत्रिका के संपादक भेटी मैंने आजकल हरसाली पत्रिका काकर में निकट हो ओ डांग से लावा डगर अभी निकट ही बावल लावा डगर रटी रटी पिन हरसाली पत्रिका निकलना हजुर के सोच के सिख आए काकर निकलना जरूरी ठनी अनिकारे पर हजुर के अनुभव कैसे दहल सुना दीना पत्ते फेन में लागत हरसाली पत्रिका बंद नहीं हुई हो लेकिन भित्रे भित्रे हमरे एक इतिहास बचाइले रखी संग्रहण जहाँ सिफन जैसे खुले सिफन सर करते बताएं करले बताएं करते आल बताएं और मैं संगत सम हमार थारू साहित्य की इतिहास के लाग हमार कैलाली के लाग कैलाली के तो हमारी हरसाली तो नमूना पत्रिका हो हमरे सब भर ये है पीडीएफ फाइल की हमरे कॉपी ऑफिस फाइल ऑफिस के लाग फाइल के लाग छपा के हुई कैसे कोई हमरे मोटा मोटी रूप में अभी हमें अभी सम हमारे बच्चे ले बटी हमारे पाठक कोई नहीं कि अक्वे के लिए सकु सकु था में पुकार इनसे कर रही लेकिन एक एक ऐसा भी बचा रहा मैं लागत कर से मैं मोर बाबू लवारी चौधरी संगम कुसमी पहले से साहित्य लिखी तो मैं लगभग लगभग बुकिन से संगे हमने पढ़े जाए संगे वो महीने सेकंड बुक के पढ़े स्कूल ले जाए वस्तु को उपन साहित्य में कलम चलाए वही किन है कलम चलाए देखा देखा वो लगा जो काफी साहित्य बढ़ती गई लगभग लगभग दागु न दागु संगम उसमें 52-53 सालों से रेडियो नेपाल में ये कार्यक्रम कार्यक्रम आए छोटे मीठे मीठे करना कार्यक्रम आए पुस्तक और कार्यक्रम भी आए वहाँ वो अपन लेखक सब पठान कविता गजल पठान वो कि देखत देखत लगभग मोह फिर छोटा मोहरे गए तो मैं फिर लगभग लगभग जब हमारे 54-55 साल और हमारे बोरा रिजर्व नेपाल सुखे से हमारे बोरा कार्यक्रम शुरू हो लागल प्रसारण हो लागल तो मैं फिर वहाँ पठाऊँ पुस्तक पठाए 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 पुस्तक मोह काफ़ी उम्र हुई थी गई शायद मैं लागत मोर झुका मोर विलक से थे मैं मोर आकर्षण मोर लगा झुका मोर तरह किस लागत मैं लागत ये विलक से उस दिन मोर झुका धीरे धीरे बढ़ती गई अपन जो अपन सेकंड समय एक ना लिखती गई हूँ तब एक उस दिन फिर मैं कलम योर लगे सिंह लागत हमने ऐसी पूछी कि आप हर साल ही त्रैमासिक पत्रिका अभी बंद नहीं हुई हो बंद नहीं हुई चलती बा मैं सब भर अभी ने बता के धरे हमार ऑफिस फाइल लग हमने ऑफिस में धरने बढ़ती अभी सुरक्षित बा हमार पीडीएफ फाइल आ रखा अन्य ने फिर तो कम सुरक्षित बा आज तक धन्यवाद मैं प्रणव आकाश जी को जाए चाहतू हजुर को चलचित्र नाटक में भी काम के लिए हजुर का अनुभव बा हजुर के थारू भाषा नाटक करो मंचन थे उसे कल अब हेरना कल इसे थारू साहित्य के विधा में कथा उपन्यास कविता गजल ढेर लिख जाइ बा मैं थारू नाटक कहाँ से कम निकल बा मैं ये प्रश्न करत चाहूँ नाटक कला से तो सबसे पहला हमला हेरना चीज हो आखिर हेरना चीज मन पहाड़ खाना मजा नहीं लगा जस्तै कि मै कोनो फे बटको हि मोर बुढी बाजे कि सुनैला गला से मोले सुनते एला हमर हमर बुढी बाजन के बोलीले सुनते आयल बटको हि हमर सुनैला मजा लखा और जस कोनो उपन्यास कहि कोनो आख्यान कहि कोनो साहित्यिक विधा कहि ओ पढर मजा लगना चीज हमर पढर भर मजा लागत ओ हेर खन मजा लगना चीज ओ त पढर खन मजा नै लागत
जहाँ पढ़ मजा नहीं लगा वो ठाव में लिखना चाहेंगे क्यों नहीं लगा वो कारण हो आदत समय में नाटक लिखित रूप में चाहिए आई नहीं सकल तर भे ये अभ्यास था निरंतर हुई थी और संगसंगे हमारे गाँव ठाव में नाटक एक तो सामूहिक ढेर जना चाहना नाटक एक तो मंथन करक थे नाटक एक तो प्रस्तुत करक थे ढेर जना मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स अथवा टेक्निकल रिसोर्स ये चाहना कारण ऊ चीज अप्ठारो पर्ल अवस्था में संगसंगे ढेर ठाव में साहित्यिक गतिविधि होती ठाव में नाटक जना समावेश अथवा नाटक से संबंधित गतिविधि समावेश नहीं करना फिर दान्ते पचगुरो विकिकना हो तर साहित्यिक सम्मेलनकै ईसी आगक साहित्यिक सम्मेलन में नाटक विधा हाना समेत नाटक प्रतियोगिता फिर भैल रहा ऊ मजा बात हो असा खाना आगामी दिन में फिर असिन खाले गतिविधि हुई तरह से लिखित मन अभ्यास बानी बैठी नई कि चाहे हेर करना नाटक हेर अ नाटक नहीं कर सको कई खाना दस मुँह लेकिन आगे हो आखिर हम हेर नहीं भैन अवस्था हजुर हस् धन्यवाद मैं गीतांजलि जी और जाए चाहतु जस्ते थारू महिला साहित्यकार कम्बना हजुर साहित्य में कैसे रुचि जागल ओ थारू साहित्य में महिला काकरे आगे में आई सकते मई चाहे कसी ख रुचि जागल खना मई चाहे अपन विगत के दिन से लेकर आजसम्म के बात चाहिँ आफ्नो कण्ठे राख्दै थियौँ 2063 सालमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो एक ठो हाम्रो गाउँभित्रमा हाम्रो एक ठो फुटबल टिम बनाइली हाम्रो गेम खेली फुटबल खेली फुटबल खेल्ला क्रममा हाम्रो एक ठो सुसङ्गठन कर टिम कर परल एकदमै बलगर टिम बनल का अनि जहाँ ऊ टिम चाहिँ हाम्रो एक ठो क्लब गठन गर्न गइकन हाम्रो क्लबमै दर्ता गर्ली पहिलेको गाविस र गाविसमा हाम्रो क्लब दर्ता गर्छ ऊ क्लब दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो क्लबमा चाहिँ पहिला पहिलाकै समयमा कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँमा अपन टुलटुलमा एक ठु स्टेज प्रोग्राम धर जाए पहिला पहिला मञ्चमा हाम्रो कार्यक्रम धरी दसैँ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम गएको धरी ऊ कार्यक्रममा चाहिँ प्रायः जसो मैले चाहिँ हाम्रो नाच चाहिँ लेखन हाम्रो नाटक फेरि प्रस्तुत गर्न क्रममा धेर जसो मै यहाँ नाटक लेख्न अनि उनीहरू कोरियोग्राफी गर्न कसिकन बच्चन जस्तो शङ्करेन लर्कन मिन कसिकन कोरियोग्राफी गर्न ऊ म ऊ जिम्मा चाहिँ मै यहाँ लिएर गरेँ ऊ बेलामा चाहिँ नाटक लेख्न गाउँघरमा घटना लेख्छु घटना विषयवस्तु बनाएको नै थियो कथाकै रूपमा लेख्न उनीहरू नाटकीकरण देखेँ नाटक मैले चाहिँ नाटक काटे करौँ कसिकन गर्ती गर्थे धीरे धीरे अनि हाम्रो लगभग 63 साल चाहिँ लेखन 69 सालसम्म हाम्रो स्टेज प्रोग्राम धर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रम उहीमा न उभेला फे ऊ फेला चाहिँ लेखन मै धीरे धीरे साहित्यमा जैतिरहनु पर्ल उसदेखि जाकन मै 11-12 पढ्न बेला लगभग 65-66 समयमा हो कोही बेला चाहिँ एक ठो महिनबार मलेसिया शाखामा चाहिँ सामूहिक गजल सङ्ग्रह प्रश्न पत्वा निकाल्न उहाँको लागि योजना रहेन उहीमा चाहिँ गजल दिए परल 10 ठुला सबै गजल दिए परल कामको बाट आयो कस्तो आइल त दोस्रो मैले चाहिँ गजल मुठे आफन्त लगभग दिए लगाउँ टाइमको भर मार चाहिँ सुरुवात टिके दिन असिकन सुरु गर्दै थिएँ म यहाँको जानकारी गराइसके हस् मै हजुर दुइटै प्रश्न पुछेर ऊ मै औरे मै सागर कुष्मीजी चाहिँ जाँटु गीताञ्जलीजी गजल अभियानको बारेमा बात निकाली मै ठिकै ठो प्रश्न पुछ्नमा लागल सागर कुष्मीजी है जस्तै हजुर गजल अभियानमा फेरि लागल कति हाम्रा जस्तो युवा लोगन हे गजल कैसे गीतनाथ के प्रशिक्षण पनि लिएको थिएँ जे चाहिँ प्रशिक्षण लेला वा ऊ युवा लोक अभि सक्रिय पता कि नै एकदम अपने प्रश्न बहुत गम्भीर बा मही लागल जे दिल से लागल बा वही पक्के फे साहित्य से कहूँ ना कहूँ जरूर बता मही लागत हमार कई डाली के रवीना चौधरी रफू जे अपन गजल संग्रह निकाली मकार ओरी गजल संग्रह
नेपाल के थारू महिला से लिखल पहला गृहसंग्रह हो। पुस्तकालय ने हमारे कंचनपुर के साफी चौधरी निकाली मुक्त संग्रह सृजन मुक्त संग्रह वो नेपाल के थारू महिला से लिखल मुक्त संग्रह पहल संग्रह हो। मैं लागत पुस्तकालय ने कंचनपुर के अशोक चौधरी जय थार भाषा के गजल संग्रह निकालने बता थारू वर्ष रास्ता में फिर कंचनपुर के पहल हो। पुस्तकालय ने हमारे कैलाली के रामचरण चौधरी अजराइल फे निकलने बटा मोर तो छपरी कना गजल संग्रह उफेन ऐतिहासिक गजल संग्रह हो। पुस्तकालय ने आर आउर संग्रहण फेन फुटकर रूप में लिखती बटा अफिन फेन ढेर गजल संग्रह पांडुलिपि तैयार करने बड़ा संग्रह हमार गजल के तालीम देहल पुस्तक के गजल अभियान में लागल संग्रह के अभी फैन ढेर बता लिखती बता निरंतर लिखती जाएगी जाती बता सिर्फ वहाँ लोग क्या हो पड़े से आर्थिक समस्या से कारण वहाँ लोग वो ने अपन व्यक्तिगत कीर्ति निकाले निश्चित में जहाँ से लागत थारू लेखक संघ लगा अन्य ने संघ संस्था वहाँ लोग ने साथ सहयोग करी कर से पक्के फिर उन्हें आईने दिन में उस तरह की और ठप जो सांगा रही की जिसमें लागत वही लाट हमारे पत्थर अबे भूस के 14-15 घंटे हमारे कैलाली के मोहनपुर शिवरत्नपुर अवसरपुर के हमारे साहित्य यात्रा कैली डांग के साहित्यकार छविलाल कोपिला निम्बहादुर थापा पुस्तक के नेपालगंज के खगेन्द्र गिरी कोपिला पुस्तक ने हमारे सुर्खेत के ललित केसी और मई लगायत हमारे वहाँ कैलाली के मोहना पार बोदर के गांव मोहनपुर पुस्तक ने शिवरत्नपुर हौसरपुर तीन गांव हमरे पक्कर हमरे एक महीना पहले वहाँ का साहित्यिक अवस्था सांस्कृतिक अवस्था भौगोलिक अवस्था क्या बार ओकर बारे हमरे अध्ययन करके हमरे सगभर वहाँ युवन है साहित्य में कशिक आगे बढ़ा सक जाए साहित्य में कशिक कदम बढ़ा सक जाए करना हमरे ढेर सफल गहन अध्ययन करके हमरे वहाँ आयल बटी जहाँ से फिर मोहनपुर के कुछ रास्ता उपरे फिर धीरे धीरे हुए से फिर क्रम चलाई ढेर बटा पुस्तक ने शिवरत्नपुर के फिर युवाओं के क्या करने बटा कि हम उनके ये सैद्धांतिक ज्ञान हुई कर इससे अथवा गजल हुई मुक्तक हुई कविता के बारे में प्रशिक्षण तालीम हुई कर इससे हमारे पक्के फैन एक बारे में ढेर कलम चलाए सकप करना असर के लिए बटा पुस्तक ने अशोकपुर के गाँव वास फिर पुस्तक के लिए बटा युवाओं के हमें लगा तो हमने कैलाली कंचनपुर में मई लगाए तो हमारे थारू लेखक संघ बा और तो हिजगर साहित्य बगाल बा लगा जुगो साहित्य फटो बा पुस्तक लगाए हमने संघ संस्था हरचाली बा निशा मोहरा बा कोहर देरी बा पुस्तक हमने मोटा मोटी वहाँ लोगों के कैलाली ऑनलाइन बा वहाँ लोगों के संयुक्त सहकार्य में लगभग लगभग मोटा मोटी हमने तीन चार महीना में हमरे गजल प्रशिक्षण देते आज बटी उतने की लाई हमरे सगभर जे हमरे बलाय जे हमने संपर्क कर हमरे कैदादी कंचनपुर भाके बर्दे लगा अन्य ने जिला फिर हमरे ये अभियान चलने सोच बने ले बटी ये अवसर हमरे लगभग लगभग औरे औरे जिले के संगठन फिर हमने गीत करना हमरे आशा के ले बटी वही लागत वह मेरे के युवन के वह वातावरण खासो ही पर वह मेरे वातावरण सीजनल कैसे से पक्के फैन हमारे लुकल छुपल युवन के है क्रम वैसे कि साहित्य में ढेर ऐसे की जैसे लागत अबे हमारे भी यहाँ ये सिंधु गांव में कार्यक्रम हुई था यहाँ भैया बाबू के ढेर प्रतिभा हुई हमारे वहाँ भैया बाबू के फैन हमें ये मौका हुई है मंच देव पर से अवसर देव पर से मौका देव पर से पक्के फैन वहाँ लोगों के प्रतिभा जो आगे ऐसे की प्रस्तुत होइसे की पक्के फिर उनके दोस्त आएंगे रहीं हौसला गिन उनके फिर हम कुछ ना कुछ आगे यही करना हमरे आज के लिए बढ़ती है। हाँ धन्यवाद हजुर लोगन की काम एकदम प्रशंसनीय बा मशहूर का मन फिर बा मैं प्रणव बाका जी और जाइ चाहतू हजुर तमें फिर कैसे कली नाटक करना अभी तक लिखना से फिर हरना वजह लागत के सागर कुशवी जी अबे गजल लिखना अभियान में लागल बता नाटक लिखना प्रशिक्षण कहिया देना वो हमार बाजे बुटीन के सुनाए उन नाटक है लिखना कि नहीं आप कैसे कहिया स्टेज में लिखना कहिया मंचन करना ये बात कहिता
क्या कर लगते हैं अब ढेर पक्षे से बातचीत हुई फरत नहीं अब एक जना लाख का तो कोनो भी चीज नहीं हुई जैसे कि कहावर भे युवन की अवस्था साहित्य में क्या बाकना अवस्था बा युवन तो अनहरम बाकी है क्या करे कि रात पर सैकल अब युवन के कार्यक्रम सबसे पछवा बाकी पुष्प गुरु बटी दस्ते भा दोन इस दोन बात से सकुन और से पूजा भरना अवस्था भी भा वो युवा का ऐसी अवस्था हो दोन अवस्था में ऊर्जा फिन भा पर आगे जेना डगर मजा से नहीं देखते ये बेला होना हाथ पगड़ करना डगर देखना मने चाहल वसर लाग हमार अग्रज जे हमार थे बात है वहां पर गाइड कर दे भरा हमरा अपना ही हमार एनर्जी हमार ऊर्जा लेखना जोन डगर न्यांग फाजती वो डगर में न्यांग लाग ऊर्जा कौन से कौन से चाह वो ये अवस्था मनाए फिर आवक समय बना साहित्य लिखना साहित्य कर सके लिख कर जीवन बात से एक अवस्था की क्यों नहीं हो तो वहां कर ला कोई करना सहज विषय की इसे तो हमन से अग्रज लोग होंगे हमन से रेगुलर समन्वय कर दे पर हमन से ये चीज में बातचीत कर दे पर तब वो वर्ग कल से हम नाटक जानल लिखा जानल मने नाटक लिखक लाग प्रशिक्षण निकाल सीख दी गजल लिखल जानक मने गजल लिखक लाग समय निकाल सीख दी ऐसी खाल के अवस्था सब जन कोऑर्डिनेट कर सके लिखी अपने मई कर तू मई आगे जाए तू अपने कहना चाहिए अवस्था नहीं हो यही मना सबन के बातचीत हुई गलत से हमरा आगे जाए से हजुर एकदम मई गीतांजलि जी लाई चाहतु हारु साहित्य में महिला काकरे आगे नहीं आए धन्यवाद अब हमरा स्वयं मही मही अपने है ना मही जोड़ना लागल जबकि मही मार विषय मार पढ़ाई नहीं कहाँ पर मेरे मार से शिक्षा नहीं कहाँ पर एक साहित्यिक विधा लेकर ना मही पढ़ती बात हूँ अन्य मही अपन ही तो आगे नहीं ऐसा करूँ कल से और मही ना अपन से मही का कहाँ से कम करना इधर मही मार से जवाब ही नहीं हो या कम मही कथा से लिख लगा तू उपन्यास से मार से बात निबंध फिर मार के बा गजल फिर मार के बा तो ना मैं वही ना दस्तावेजीकरण करना एक तो हमरे मैं किताब लिखा रहा करना था वही क्यों तीसरा मैं वही ना लाना नहीं चाह कर रहा हूँ कल से शायद और फिर महिला कन माँ फिर अनेक किस्म के समस्या हुई न वाला वहाँ उनकन के या तो चासू नहीं देखो हो या जनो कहाँ हो ये कर लगी से हमारे एक तो फिर अभ्यास कई के वहाँ उनकन के विचार बुझे पना सायद जरूरी बात जमीन लागर अरे अब मैं अपन हकमा कहा वेला कती पर बात जंती जंती थे आगे बोर नहीं सीखना हो कि कसीरो मैं थे बाजार में आई रिश्ते अपन कहा परन मैं है ना सुशील लाल ढेर कला बहनी हमार एकदम ही अमूल्य दस्तावेज कलक नहीं हमार किताब हो किताब निकारो कती रला मैं है ना ये जंगल साहित्यिक बखेरी माँ शामिल करना हमारे सौम दाजू अरे अष्टग्र बालिका दीदी अरे सुशील दाजू को वहाँ पर धीरे धन्यवाद कर चाहते वहाँ पर मैं जंगल साहित्यिक बखेरी है ना कभी भी पछे ना नहीं चाहनु कि क्या करूँ तो वहाँ पर मैं हमेशा पछे लगा जब जगह की रहना गजल लिखो जैसे कुछ जैसे लिखो करना एकदम ही वहाँ पर हौसला देती रहना देती देती फिर मार वो जितना फिर लिखल बा अपन डायरी में खाली सीमित बा बनवे ना लाना नहीं चाह करूँ यही सम्मेलन में मैं गजल संग्रह प्रस्तुत करे किताब निकारम पर हमार योजना रहा ठक मार तालिम रहा मैं अपन संस्था के तो तालिम से लेकर मैं काठमांडू गई रहूं अरे वहाँ से फिर ताऊ तो मैं सुशील दादू में भेंट करना मैं वो संपादन के लिए वहाँ से सलाहिन करा योजना मरो ठक वहाँ से मैं फिर ताऊ नहीं पाऊं वहाँ की दुर्घटना हो गई एकदम दुखद के खबर सुनो मैं अपने ही नहीं एकदम ओझिल कर गई नुका अपरन मैं इस सम्मेलन में प्रकाशन करना मार योजना रहा मैं कर रही सिर्फ उस तरह का शायद हमारे समुदाय में हमने एक तो हम युवा हम नहीं हम आगे बढ़ने से आगे लेकिन हम ढेर युवा हम ओझल में बारे का भर जन महिला का जन ढेर जैसे घर अपन घर व्यवहार संभाल कर बैठना बिना घर से वहाँ पर शायद नहीं आई सकल फिर हुई वो तब मैं बकर हमारे लक्ष्मी मिस्ट्री कली हमारे अवस्था एकदम ही पास कर रहा वहाँ पे आगे बढ़ना प्रयास करती करती फिर नहीं सिखलाई कोना में से बात निकल रही शायद वो नहीं समस्या हुई का रास्ता में लागत कहाँ था अत्र कहाँ जाते
हस् धन्यवाद हाम्रो सेसन के अन्तिम अन्तिम आशयकल बाटी मै किन जाने प्रश्न जति जति पुस्तक चाहतु युवा हे साहित्यमे आकर्षण करतन का करि सकै प्रणाम जी युवा हुन साहित्यमा आकर्षण गरक लाग सबसे त साहित्य हर विधा त ठ्याक्क विधा भा मञ्चन कर सक्ना विधा हान मञ्चन करक लाग सहयोगकर्द बढाउन सक्दैन प्रस्तुत गर सकिना होइन प्रस्तुत गर्नमा सहयोग गर परम गाई सकिना चिज भने चाहिँ गाईको लागि इन्करेज गर्दे परम जत्र फेरि नव नव पिँढी हुँदाबाट युवा हुँदाबाट जस्तै ए मञ्चनमा फेरि देख्ने ए चाहिँ आगो भयो भर्खर ए गाउँ भाइ हुँदा देख्न धेर धेर मजाका प्रस्तुति देतीबाट विभिन्न ठाउँ चाहिँ यहाँ आँखा प्रस्तुत देतीबाट उहाँको पनि यहाँ देखेन एक ठाउँ हाम्रो निर्माण गरिदिएले स्टेज दिएले त उहाँ हुँदो आइसक्ल अइसन खालको कार्यक्रम युवा हाम्रो अपने क्रिएट गर सक्न अवस्था सकुभर नै रह उहाँले भन्दा प्लेटफर्म क्रिएट गर्दैन ठाउँ अब जे प्लेटफर्म क्रिएट गर्दैछ उहाँको युवा हुँदा एक विशेष स्पेस देख युवा हुँदाके चाहिँ एक मनोविज्ञान बुझ्छ युवा हुँदाके अब समय बुझ्छ युवा हुँदाके समय फुर्सद मना हुँदो का गर्दैबाट फुर्सदको समयमा कसरी कति कार्य सिक्दै अब आफ्नो युवा हुँदोबाट त्यो साहित्य लेख्नेबाट उहाँको साहित्यमा से टिकटक से लेखन युट्युब मना विभिन्न कार्यक्रम पनि पनि बनाएको छ धरतीबाट उसिन खालको युवा हुँदन जे कला भए उहाँ हुँदाके हाम्रो खोजी कारखाना असिन खालको स्टेज बना एक प्लेटफर्ममा लान सक्न एक छ अवस्था हो रही ओ सँगसँगै बाँसर गर कहाँ हुँदाके जुन खुबी भटिन् स्किल भटिन् ऊ स्किल आमा मजा बनाएको लाग्छ विभिन्न कार्यक्रम चाहिँ लन्ना अवस्था सिर्जना गर्नुपऱ्यो उहाँको लाग चाहिँ कोनो क्लब से उठा कि अथवा कोनो चाहिँ सङ्घ से उठा कि अथवा चाहिँ कोनो निकाय से उठा कि अहिले खालको कार्यक्रममा समन्वय अथवा अग्रसरता लिएन भने चाहिँ अथवा चाहिँ युवाहरूमा स्वयम् अग्रसरकर लगाएकन पाछा हाम्रो बाटी गएकन हात पकड देखन उहीमा जाइपरल ओ सँगसँगै उहाँहरूको अभिभावक जत्राफी बटे उहाँहरूको आफ्नो लड्का फर्कनके साहित्यमा त कोनो लिखतिर छ लड्का फर्का घर आएकन कोनो चिज लिख्छ मन लागल चिज कहाँ नाचक लागेर छ कहाँ चाहिँ गीत गाउँछ उहाँहरूको त्यो कला ऊ खुबी एकचो सुन्न चाहिँ मन मन पनि लाग कि मन लड्का कसरी लिख त मन लड्का लिखल चिज अथवा मन लड्का गाइल चिज मन लड्का नाचल चिज ऊ चाहिँ महिनो सुहाउन लागता कि नि लागत हो मै चाहिँ सुगर द्याएको छु कि नै द्याएको छु यी चिजमा त्यो सबैजना हाम्रो हेर्कन आफ्नो लगेको त्यो कला होइन एप्रिसिएट गर्दै कला होइन हाम्रो सम्मान गर्दै तप दोष चाहिँ युवा हाम्रो अगाडि आइसक्न अवस्था आए नै कलश चाहिँ हाम्रो अब समयमा न युवा हाम्रो चाहिँ कति भएदेखि धेर ठाउँमा कुलतमा फस्ती भएदेखि कसिन कसिन ठाउँमा फस्ती भएदेखि एक ठाउँ उमेर जाउँ भएको उमेरमा श्वास डगर एक ठाउँ मजा डगर देखेन काम हाम्रो सबैजना भोलो कारण लेखन हाम्रो सबैजना युवा हुँदाके मनोविज्ञान युवा हुँदाके खुबी अन चाहिँ ध्यान देखन उहाँ हुँदन आगो लन्न उहाँ हुँदन चाहिँ सहयोग गर्दैन अवस्था गर्नु चाहिँ पक्कै फेरि युवा हुँदो आगो आइसक्यो मही लागत हमारा युवा हमरे स्वयं हमरे जागरूक होने चाहिए सचेत होने चाहिए हमरे यहाँ हमारे आगे यहाँ इस साहित्य सम्मेलन में हमारे स्थल रहे जहाँ मेज में रहे किताब रहे वहाँ हरेक मेर के किताब रहे गजल संग्रह मुक्त संग्रह उपन्यास कथा लगाए अनेक विधा के रहे लेकिन हमारे युवा संग्रह के वो किताब कत्थे हेरला वो किताब कत्थे चिंतन शील के बिना वो किताब पर वो किताब हमारे वहाँ लोग किला कि नहीं किला वो किताब हेरला कि नहीं हेरला मही लागत सांस के भूले से फिर हमारे काम करते के से फट्टीम पेल थी 100 रुपया 150 रुपया हमारे खान पीन में उड़े थी लेकिन वो किताब है हमें कीमती खरीदने नहीं लीजिए थी सकभर हमरे एक दिन के ई वर्ष में एक चो महीना हमारी साहित्य सम्मेलन वर्ष में दुई दिन के ई साहित्य सम्मेलन हमरे उ स्थल से हमरे ज्ञान गुण की किताब अथवा हमारे दाई बाबा काकी काका जे जे बतिया आई बती वहाँ उ स्थल से हमरे किताब ले जाए सकभ कर से पक्के फिर हमार छाई छवा हमार भैया बाबू दीदी बहनों के पक्के फिर मेन लागत वो किताब से पढ़ के कुछ ना कुछ ज्ञान को ली ही कुछ से कुछ ज्ञान ली कर से पक्के फिर कुछ मन में उड़ जाएगी हमरे फिर कुछ अपन थारू समाज के दाग अपन समुदाय के दाग अपन व्यक्तित्व विकास के दाग अपन
कुछ साहित्य लेखस ना लिखे सेकब ना कुछ मन में जगी जैसी लागत वही कुमारे हमरे उम्र के वातावरण हमरे स्वयं खुद अपन घर के दायरा वन से जना होने चाहिए मन जैसी लागत आइना दिन में पक्के भी है जैसे कि हमार कैलाली कंचनपुर बाके बदे के जैसे हम शहर बदे अठोरा हमार अभिभावक मुख्य बदे अपन अपन घर में लड़का पकड़ के ला के हमारे वो वातावरण से जना कह देना करना चाहिए पोस्टर में हमारे जो लड़का पकड़ बता उन्हें फिर खुद स्वयं हमारी साहित्य में रुचि धर से धन मजारी और हमारे पुरखन के ज्ञान गुण बाबा पुरखन से हमारा प्राण प्राण के पास हुई लोक साहित्य हुई संस्कृति हुई वो हमारे सीखना जरूरी बा उस सीखने से हमें पक्के पे हमारा थारू भाषा साहित्य संस्कृति जोगी हमारे जो हमारा भाषा हमारे समुदाय जोगी पुस्तक ने हमारा पहचान जोगी पुस्तक हमारा संस्कृति जोगी सिन लगाए थे हाँ धन्यवाद गीतांजलि जी हजुर का लागत युवा ने साहित्य में आकर्षण कर एकदम का करे सकते हैं मैं जी का कर कह चाहत पलसे पहले के दिन में हमरा एक तो नाटक हो जहाँ कथा कविता हो वक्त लगे हमरा बाजार में जाना पत्रिका खाजा करना अनि रेडियो सुन घर घर में रेडियो फिर रहा बेला हमरा जाकर घर रेडियो रहा वहाँ जाए हमरा वो बेला से हमरा साथी संग मन का कुरा करना आए नाटक जस्ता नाटक सुन जाए हमरा कसिक सीखना था अनि स्टेज प्रोग्राम है वहाँ पे हमरा जाए सीखक मारा कसिक नाटक प्रदर्शन कर थे गए उसी का सीखा जाए तर आज के समय में आखना हमारे घर घर में टीवी बा हाथ हाथ में मोबाइल बा वहाँ पर कथा कसिक लिखना गजल कसिक लिखना कविता कसिक लिखना निबंध कसिक लिखना ये साहित्यिक विषय में लिखा अरे जे ज्या खोज भी ज्या पाई सकती है अब हमारा इंटरनेट के जमाना बा यहाँ हमारा चाहे सबको जानते शायद मोबाइल नहीं रख स्मार्ट मोबाइल नहीं रख शायद क्योंकि नहीं भी होगा वहाँ हमारा चाहे उम्र से फिर सर्च कई कई कविता है कसिक लिखा वहाँ हमारा यहाँ से ना मिली प्लस जितना फिर हमारा अग्रज बात वहाँ हमारा भी समुदाय में कसिक माहौल बात बना मेरे की कबू कबू जस्त हमार मागुन हुईल अस्तिम के थे हुईल चाड़ी बेला में युवा हमारे एकजुट हुई बैठ ऊ बेला में वहाँ पर एक छोटी मोटी अंतरक्रिया कार्यक्रम जस्त वहाँ पर गाँव में जाकर एक माग विशेष उसी अंतरक्रिया में लिखो कि नहीं लिखो कसिक लिखती बात लिखो कल से कहाँ बाना मेरे के एकचोटी वहाँ पर भी छलफल चला दिल से अज मजा में रहना मर विचार मन लागत अने उस जाके अब हमारा साहित्यिक विधा में अब उतना सहज तो नहीं हो तब फिर हमने हमारे विद्यालय में हमारा कथा पढ़ती बाटी है ना प्लस टू थे लगभग विषय फरक फरक रहा नेपाली साहित्य विषय लेकर पढ़ना विद्यार्थी में ढेर बात है वहाँ पर कहीं ना कहीं नियम तो ठा रखकर कथा में फिर पात्र रखें विषय वस्तु रह घटनाक्रम अनि जाके परिवेश रह ओ सब कुछ वहाँ पर पहाड़ रखें वो एक तो स्मरण जहाँ से वहाँ पर नियम था रखा वहाँ पर फरक अत्र हो कि हमारा थारू भाषा में हमारे समुदाय में ढेर किस्म की घटना घटती रह वो घटना है ना लेखो मिटा कि एक तो काल्पनिक घटना मना जोर को मिटा कि कसी का नोटा वहाँ अपन जाए एक तो डी लिखना में प्रेरित करो से गिलासी अदा मदा भी नहीं कनामर विचार में लागत अत्र पहुँचा हाँ धन्यवाद हमरे सेशन के ओरौनी और बती हजुरों ने कुछ प्रश्न बात से पूछ सके क्योंकि बात ये विषय में जिज्ञासा रहना चाशो रहना के को बात से पैदा जाए हाथ उठाए मैं प्रमुख का जिम अभी कौगाल फसल ठंडा हो जीता हाथ उठा दिला उस तक मैं कक्षा तीन में पढ़े बेला में एक तो हवन से आग आठ कक्ष में एक बठिया पड़ी परसों को मैं तीन कक्ष में पढ़ हूँ तो मैं बहुत सावन में पढ़ी रहूँ तो और एक मैं का कहीं मैं रात को ना सिखा सिखा गिला दिला तो ना फसल ठंडा हो गया जोर किस्ता हो गया
फसुआ में शेखर होता प्रतिनिधित्व कहीं का प्रश्न दाजुटी जिज्ञासा नहीं अब राष्ट्रीय थारू साहित्य सम्मेलन दांग शेषकर आज यहाँ सातौ राष्ट्रीय सम्मेलन फतेहपुर में सैकलबत्ती अस्सी हेन से युवा को संख्या धीरे 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 घटी गई हो कि नाश लगता तर ज्यास खुशी पार्ट का बुढ़ा उम्र को संख्या बढ़ल बा पूर्व वर्ष तो पुरानी पुरानी एक ठो उपाय बता दे एकदम क्लियर रूप में कैसी कई युवाओं का आकर्षण करो से जाई ना कविता गजल वाचन कर ला से एवर बटाई लगला से आशी का गंभीर बात बटाई लगला से एवर गर्मी महीना में छोट छोट अस्तक उदाहरण दे तू साको लाई वो घाम ले लपक जाए पोस्टर का लपक दी ना मनी आने डिस्को डांस ऐसा सब हर सिंचाई पानी कर ला जुर मुरा का हो जी था वस्तक साहित्य मत कसिन रचना करना कसी का आकर्षण कर सकते हैं ना मर्जी ऐसा युवा साहित्य करो कर सर बोलिए और की बात करते हैं हाथ उठे कि नहीं दौड़ का पुगम भगवान कसम आप ये भाषण नहीं करें अब बोली सर हाली लगता मैं आपके वजह फिर से पहुंचा हूँ तुमने पढ़ा भाई कल की अग्रज लोगों के साथ चाल हमने हमारे युवा लोगों ने आगे बढ़ते हमरे ये युवा लोगों के प्रमोशन कर लोग जो ये कार्यक्रम के लग हो हमने तो अपन तरीके से लिखती बढ़ी जे जैसे मैं बहुत ही किताब लिख सकलू शेखर भाई बट मैं आगे बढ़ा सोम भाई लिखती बढ़ा किताब निकली बढ़ा सबलाल को बिलक प्रत्येक महीना में तीन दिन तो त्रिमासिक पत्रिका निकलती बढ़ी तो युवा लोगों के लिखना में चाहे प्रेरणा मिले कहीं कार्यक्रम के लग हो वो फिर सोनारी एरिया के रापी सोनारी एरिया के युवा लोगों की चाहिए देखना प्रेरणा मिले करके ये कार्यक्रम करे को खुशी लागल बा लक्ष्मी चौधरी जी तली की मैं ये कार्यक्रम में किताब छापे नहीं सके मैं बहुत ठक ठक लागल बा अगला वर्ष के कार्यक्रम में मैं जरूर एक नई किताब निकाल हम कहिए इसको प्रेरणा देगी तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जब भी युवा बच्चे आए रापी सोनारी के सब कुछ एक फोन करे को कि अगला वर्ष चार चार कार्यक्रम हुई साहित्य सम्मेलन के आठवां सम्मेलन में हमने बाकी से 10-12 जने किताब छाप के लेके जाओ अपने के हाथ उठाई हमने वो हाथ उठक जे खर्चा की के किताब लेके भी है आइना एक वर्ष के पास है काल वो नाव हमने बयान की तिबाई भी लक्ष्मी जी ने तिबाई भी करा मैं अनुर कर जा तो ये भाषण जैसे सुनती बची हमारा पैकेज बा अपने के पंद्रह कुछ दल जीविकर से लिखत मैं सीख भी लिखत तो और जाऊंगे पहले बरस और से काल जैकेट सेट की हमारी पैकेज बा हुई वो ले ले भी आज जैसे ये जो सुने आज बच्ची काल बयान बना दी भी दूसरो सेशन बा वो हमने चाहिए हमने खब युवा लोगों ने कशिक चाहिए सवारे सीख जाए छुट्टी फिर सेशन का ही सीखती जैसे ये हमने गजल सुने लगा तो वो गजल का अर्थ कशिक हुई वो गजल कशिक लिखे सीख जाए तब हमने एक घंटा के फिर वो सेशन सेशन चलाई सीखती लेकिन युवा के नहीं निकल से हम लोग सेशन नहीं चलाए और से अशेषण कार्यक्रम युवा के अलग और से हमने युवा लोगों की कार्यक्रम के लिए को खुशी लागल बा इस सेशन बहुत गंभीर हुई बा युवा लोग बहुत गंभीर छलफल के लिए बता एक हमने सही कटकरी नानी क्रेम ने सही ताकत पूछी नानी क्रेम ने सही गुटगर चावर निकले का नमी पासर कर चाहता हूँ और इस सेशन के सब कुछ सहभागी जे जत्मा बची तलुया बोलुया सब कुछ मजा बोल रही बची कथा रातिक मामला खैबो साली भकमला जितना रात हुई छोड़ने बात बिगड़ती जाए और से हमारे आप धीरे धीरे ही चाहिए टूंगे नहीं और जाए अपना मैं कर चल सोम जी का पुस्तक प्रेषण संसंगे सरदार जी का बात कफे में संबोधन करती एक दो बात कर देते बटो जस्तो युवाहरूले के आकर्षण बढाएको लागि सबसे कहाँ गर्न परिकन चाहिँ अब सम्झेको एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न रह युवाहरूले आकर्षण गराएको लागि युवा हाम्रो कहाँ हेर्थ ऊ चिजमा नै हाम्रो जोड गर पर्यो हाम्रो कार्यक्रम प्रचार प्रसार गर युवा हाम्रो कहाँ हेर्थी भट युवाहरूले कहाँ मन प्रति भट ऊ चिज के आधार मन ऊ चिज मन हाम्रो चिज घुसाकन हाम्रो जाहिर गर इन्कर्पोरेट गर पर्यो हाम्रो चिज जस्तो कि समय सँगसँगै हाम्रो आगे ल्याङ्ग खोजेकी र युवाहरूको झन आगे ल्याङ्ग त उहाँहरूको सँगसँगै हाम्रो आफन बाटो पनि धर पर्यो एक
त्यो सँगसँगै हाम्रो यी ठाउँमा अथवा कौनौ ठाउँमा साहित्यिक सम्मेलन गर्दै गएको छ, साहित्यिक सम्मेलनमा कसिन खालको काम गर्दै, कसिन खालको बात उठाउँदा, कसिन खालको विषयमा बहस गर्दा, ऊ विषयमा एटलिस्ट ऊ आङ्गर फाङ्गरको एरियामा जानकारी खरेना खालको वातावरण बनाइपरल। त्यो सँगसँगै हाम्रो जिल्लामा चाहिँ युवा आउँदनको प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध गरेमा ऊ विषयमा एकचोटि समन्वय गर परल, जिल्लाको सम्पर्क व्यक्ति बनाइपरल, बाङ जिल्लाको सम्पर्क व्यक्ति के भए कैसेको नहोल खाना चाहिँ उहीमा मै अनुभव गर्छु। पुस्तकको सँगसँगै अरू जिल्लाको सम्पर्क व्यक्तिबाट उहीमा न जिल्लामा चाहिँ काम गर्दै उहाँ आउँदा चाहिँ हाम्रो कसैको नै यहाँ लान सिक्दी खाना विषयमा फेरि एकचोटि बताइपरौँ। ऊ सँगसँगै युवा आउँदा चाहिँ फेरि जाइपरौँ कार्यक्रमको एकचोटि कार्यक्रम बनेमा ऊ विषयमा धेर पाटो रहे, ऊ पाटो मध्येको एकचोटि युवा आउँदा समेतमा कसैको न खाना चाहिँ एकचोटि गम्भीर विषय आइवा कल चाहिँ युवा आउँदाको ठिकै हाम्रो जाइपरल खाना चाहिँ हो। म यहाँ लागत र बात गर्छु, बाँकी बात पाँच भन्ने मै चाहिँ कहाँ घर चढुकोलाई चाहिँ यी विषयमा किन उपन्न आग्रह बढाएको चाहिँ अब के अवस्थामा हाम्रो सरकार बा हाम्रो तिन ठो सरकार बा नि त सङ्घ बा प्रदेश बा अनि स्थानीय तहमा पालिका बा उहाँ प्रतिदान चाहिँ आग्रह बढाएको एकचोटि सायद साथ दिएर चाहिँ अथवा आग बढ जाइ सकिने र कि नै लागत मै चाहिँ हाम्रो थारू कल्याणकारी थारू हाम्रो बर्दिया जिल्लाकै थारू कल्याणकारी समितिकै अध्यक्ष वीरबहादुर थारू चाहिँ मै एकचोट बात गर्न लगाउनु हाम्रो गुलरिया नगरपालिकामा दाजु हाम्रो भैँसाही गाउँ एकदमै थारू म थारू मखे रिसौरी थारू रहल समुदाय हो। ऊ समुदाय नगर सदरमुकाम चाहिँ कति फेर दूर नै हो। ऊ हाम्रो ऊ समुदाय होइन आगाह बढाएको उहाँ कि युवा उम्र लगभग 400 घरधुरी चाहिँ बढी बा उहाँ चाहिँ उहाँको युवा उम्र म्याक्सिमम 75% शिक्षित बाद शैक्षिक योग्यताकै हैसियतले उहाँको शिक्षित बा तर फेरि एकदमै पास पर्ला त हाम्रो सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम धैर्य पर्व गएको उहाँ चाहिँ जब मैले बाट हेर्नु उहाँ चाहिँ ऊ बाट न कति थिए ध्यान नै दिएर कना मेरो कि ऊ बेलामा पनि आभासी रह अनि उस जाएको उहीँ भुलरे कि मैले मेयर साहब भनेर फेरि गर्नु सर हाम्रो चाहिँ थारूहरूको केही कार्यक्रमको आयोजनाको लागि बजेट हालिदिनु पऱ्यो भने कि मैले उसीको फेरि उहाँसित बात गरेर उहाँबाट चाहिँ सुनवाई नै नै गरिले क्या हाम्रो स्थानीय तहमा अब सरकारमा कहाँ गर्नलाबाट स्थानीय तहमा हुन हरेक चिजके स्तर उन्नति हो कहीँ नै स्थानीय सरकार आजके समयमा ढैगिल भएको चाहिँ उहाँबाट पनि सुन्दै पर्यो नि त म एकठो ऊ समुदायके एकठो सचेत शिक्षित एकठो महिलाके हैसियत चाहिँ म उहाँको चाहिँ बाट हेर गएँ त उहाँबाट नै सुन्दैन क्या कल चाहिँ अब हाम्रो युवाउन कुछ नै त वर्षमा एकचोटि चाहिँ फेरि एकठो साहित्यिक हो या सांस्कृतिक हो ऊ कार्यक्रम धर्न बजेट छुट्याएर चाहिँ मजा मिले र तिकन मिल्छ लागत अत्र पहुँचाउनु मही लागत का कृपा गर्छ जुन हाम्रो सम्बन्धित जिल्ला से सङ्घ संस्था कृपा उहाँ हाम्रो युवन हे कार्यक्रम लैजाएको लाई वातावरण जो माहौल मजा बनाइदिए गरे चाहिँ ऐना जैनसम्म जो वातावरण सृजना गर्दै गरे चाहिँ मही लागत लावा लाभ युवाहरूले पक्कै फेरि कार्यक्रममा आइही कुछ गरी आफ्नो प्रतिभा देखाइसकी युवनके फेर सहभागी हुई जस्तो लागत चाहनु हस् धन्यवाद। अब हाम्रो स्टेसनके ओराउनी ओर आज कलपति थारू साहित्यमा युवाकना विषय स्टेसनमै हाम्रो साथ दिलकमै धैर्यपूर्वक ओनारिलकमै मै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ओ यी विषयमै अपन बात धैर्यलकमै आज पाहुना प्रणव आकाशजी ओ सागर कुस्मीजी ओ गीताञ्जलीजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जो जार जार बाबु यी माहोले डन्डु डन्डु पराइटन मै तिनु जाने अपन रचना सुना दिएकन अर्जी गति
आज की सेशन के साथ कथा मैं भूमिका बिदा मांग चाहत हूँ। धन्यवाद। मोर मन के आधार कोई नहीं पूछत छटपटा छटपटा जे तू तुहिन समझ के छटपटा छटपटा जे तू तुहिन समझ के लाल भूरे वाली छटपटा छटपटा जे तू तुहिन समझ के कतरा बा मुटुम असर कोई नहीं पूछत वाह 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 के आधार कोई नहीं पूछत पूरे से मोर नैना तगर कोई नहीं पूछत वाह 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 जब पिटू मई यौवन के जहर मठोस में या जब पिटू मई यौवन के रहर जहर मठोस में कतरा जी तर काहे पिटू मई जहर कोई नहीं पूछत वाह 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 आजकल मोर मन के रहर कोई नहीं पूछत सही बात पूरे से मोर नंगा डगर कोई नहीं पूछत अंतिम से सरकक नाली में जिंदगी जिए पर मई सरकक नाली में जिंदगी जिए पर मई कहाँ बा ई भैया घर कोई नहीं पूछत मोर नंगा डगर कोई नहीं पूछत पूरे से मोर मन के रहर कोई नहीं पूछत धन्यवाद सही बात अपन संस्कृति बचाए उठो बाबू भैया मैं चाहे यहाँ राप्ती सुनारी सिधुना गाँव बाबू भैया अपन कह जाए युवा भाई बाबू भैया और खूब नकल खूब फुटगल मंच में अपन संस्कृति बचाए उठो बाबू भैया का थारू भाषा साहित्य चिन्हाए उठो बाबू भैया हो का हो अपन संस्कृति बचाए उठो बाबू भैया थारू भाषा साहित्य चिन्हाए उठो बाबू भैया सबसे चटका सबसे मौलार थारू भाषा बोली हो सबसे चटका सबसे मौलार थारू भाषा बोली पुरखन का पुरान पहचान दिखाए उठो बाबू भैया अपन संस्कृति बचाए उठो बाबू भैया थारू भाषा साहित्य चिन्हा लाग उठो बाबू भैया अस्तका श्रृंगारी गजल में जाए तो गजल मई धेर नहीं लिखने दुई लाइन खाली बा कुठली पलटार से कुठली पलटार से झकलो छैला मई लजै की रगिलो करेजा फाड़ी जब किसे हमन बड़ा लाज लाटका जन्मी मने लौरिया मन नहीं पूरा लजै ठोकि नहीं बाबू ग्रा आखा जैसे बहुत लजै छी मई जे बड़ा लजहारन का आजकल चाहिँ तनिक लाज हराएल बा अस्त कन्या गर्दै गर्दै कुठली उल्टा से झक्लो छैला मै लजै कि रगिनु जतिक मौला मौला से बोलकर लो छैला मै लजै कि रगिनु वाह 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 आई हो साली कै बोलकर से लाज लागत जे कुठली उल्टा से झक्लो छैला मै लजै कि रगिनु जतिक मौला से बोलकर लो छैला मै लजै कि रगिनु मै दौरत कोंटी गइनु उ गैला दिउहार मै दौरत कोंटी गइनु उ गैला दिउहार भुला के भई मै लहंगा सबकी भीड़ लगा के निकलनु उ मनरा भीड़ लेलो मै लजी ति रगिनो माघम नाचक लग मै लहंगा सबकी लगाई गिनु ना अब छैला का सोचला मनरा भीड़ लेलो अब मै लाज लागी कि नै नै लागी अत्रो हो माथे नै हो देना मैं एक ठो कविता सुनाई देती बोलूं उ दिन कना शीर्षक उ दिन लिरौसी से जुजगिल रहा कचरा राखी से आँख लिरौसी से जुजगिल रहा कचरा राखी से आँख आओ चौराहा में आओ चौराहा में मोटरक असरा लगती लगती नस नस में सलबला गेल एक ठो झनकार कटकटा का चपट गेल दुठो हिर्दा कटकटा का चपट गेल दुठो हिर्दा तारकुल काजीती असिन सकुने उठाना अब यह मन के थी कोट्य में मखमली फूल गिल ढ्यावर थैलिक नाव बोलकर ती शिक्षारी मार भिर गिल बिना पटक हाँसी लगना बैस चढ़ल मुले कसी खो क्या जान झनकार इनकार बनल ठेसे
उ कजरा राखी में कजरा के रह गए आर नहीं बचल यादगार यादगार चौराहा से चौर के बचल आहा हेरा गए हिरगर का भीर पीर हाँसी से ई हाँस हो गए और काका हुईल हुईल सोचतु मैं जाऊँ वह दिन चौराहा में घूमती फिरती ओ तुहिन बिना देखला घूम जाऊँ दूसर जगह वाह 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 वाह